हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस अमेजिंग सीरीज में। गाइस, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बहुत ही यूज होने वाला फॉर्मूला, जिसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, जो कि एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो कि एक्सेल के अंदर लार्ज डेटा को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप वी लुकअप को बेसिक से सीखने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए बिना देर के बस शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डेटा बना के रखा हुआ है, जहां पर मैं वी लुकअप का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। जो वी लुकअप का फॉर्मूला होता है वो कॉलम बेसिस पे काम करता है और हमेशा ये लेफ्ट से राइट को डेटा फाइंड करता है। यानी कि अगर हमें कोई भी चीज अगर फाइंड करनी होती है तो उसमें हमें लुकअप वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड से लेनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर डेट है, जहाँ पर मुझे देखना है कि इस डेट के लिए कौन सा आइटम सेल हुआ है, कितनी यूनिट की सेल हुई है और टोटल मिला के वो कितने सेल हुए हैं, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे निकालनी है। बट आप एक चीज़ हमें ध्यान दीजिए, जो लुकअप वैल्यू है वो मैंने लेफ्ट से लिया है, यानी कि इस डेटा में से सबसे लेफ्ट में हमारे पास ये डेट है और इस डेट के बेस पे ही मुझे ये डेटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग वी लुकअप अप्लाई करते हैं। तो वी लुकअप लगाने के लिए हम लोग इस लोकेशन पे क्लिक करते हैं जहाँ पे हम लोगों को वी लुकअप अप्लाई करना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप फॉर्मूला स्टार्ट करने पर आप इसका फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये बोलता है लुकअप वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जिस बेसिस पे हम लोग आंसर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं डेट को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा करते हैं। अब कॉमा के बाद ये बोलता है हमें कि टेबल एरे, यानी कि हमें वो एरिया सिलेक्ट करना है जिस एरिया में हमारा ये जो आइटम है वो अवेलेबल है इस डेट के लिए। तो हम लोग इस पूरे डेटा को इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ तक ये हमारा डेटा होगा वहाँ तक ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉमा अप्लाई करते हैं। कॉमा करने के बाद यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट में लिखा आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि जो वी लुकअप है वो कॉलम बेसिस पे काम करेगा। यहाँ पर हमारे पास टोटल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस एरे में टोटल मिलाकर 7 कॉलम्स हैं और मुझे फाइंड करना है आइटम वाला डेटा। तो आइटम का कॉलम जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ नंबर पे एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर अप्लाई करना होगा 4। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा करते हैं तो यहाँ पे आता है ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या डिफरेंस है यहाँ पे हम अभी बताने वाले हैं, क्योंकि मैंने एक दो शीट यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है, एग्जैक्ट की और एक अप्रॉक्सीमेट की। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। अभी यह है कि मुझे इस डेट के लिए एग्जैक्ट पता करना है कि कौन सा आइटम है, तो मुझे अभी एग्जैक्ट मैच वाला यूज़ करना है। एक तो मैं तरीका यह है कि यहाँ पे इसको लगा दूंगा, यानी कि फॉल्स यहाँ लिखा आ जाएगा, ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर, इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे 5 तारीख के लिए इसने निकाला कि जो पेंसिल है वो इसका आइटम 5 तारीख का सेल हुआ है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि पेंसिल की कितनी यूनिट्स यहाँ पे सेल हुई हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ दोबारा से वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप लगाने के बाद यहाँ पे बोलता है लुकअप वैल्यू, जो कि हमारी डेट होगी। कॉमा करते हैं और टेबल एरे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, पूरी की पूरी नीचे को और राइट को ऐसे। तो ये मैंने नीचे को और राइट को कैसे सिलेक्ट की, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने कीबोर्ड से अप्लाई किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और फिर इतना सेलेक्ट होने के बाद मैंने किया राइट एरो, तो हमारा जो टोटल डेटा था वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमा करते हैं, फिर ये पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें यूनिट्स फाइंड करनी है। तो यूनिट का कॉलम नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो फिफ्थ नंबर पे यूनिट्स है तो हम यहाँ देख देते हैं 5। कॉमा करते हैं, कॉमा करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को एग्जैक्ट मैच करना है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ पे 0 भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा कि पेंसिल की 90 सेल यहाँ पे हुई है 5 तारीख के अंदर। तो अगर देखा जाए यहाँ पे डेटा 90 यूनिट्स इस पेंसिल की सेल हुई है इस डेट के लिए। मुझे अगर टोटल भी निकालना है तो दोबारा से हम लोग यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारी ये सिलेक्ट हो जाती है, उसके बाद हम करते हैं कॉमा, फिर हम लोग सेलेक्ट करते हैं टेबल एरे, यानी कि पूरा का पूरा डेटा राइट और डाउन पूरा मिला के। कॉमा करते हैं और कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे हम लोग, या अगर 5 है तो 6th और 7th, तो टोटल नंबर वाला 7th हो जाएगा। कॉमा करने के बाद यहाँ पे 0 अप्लाई करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे इस तरह से निकल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम एक एक करके निकालेंगे तो कब तक निकलेगा, तो आप इस तरह से सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद इसको नीचे को ड्रैग कीजिए तो ऐसे इसका आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर देखें, मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, इसने आंसर गलत निकाला है, क्योंकि अभी गलत तो नहीं निकाला, लेकिन अगर कोई वैल्यू मान लीजिए इससे ऊपर की होती, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इसमें डेट में ये वाली लिख देता हूँ 6/1/2022, अगर मैं ये लिख देता हूँ तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी जो टेबल है वो नीचे आ चुकी है और ये जो डेट है वो ऊपर है, इस वजह से अगर इसको ऊपर रखा जाए तो आंसर निकल जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला लगाते टाइम जो हमारी ये टेबल एरे होती है, यानी कि जो रेड कलर में आ रही है पूरी रेंज, इस रेंज को हमें लॉक कर देना है। इसको लॉक करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे F4 और करेंगे एंटर।
सेम हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, यानी यहाँ पे के एस को सिलेक्ट और एफ फोर एंटर करते हैं। सेम हम यहाँ पे भी करते हैं, उसको सिलेक्ट करके क्या कर देते हैं, यहाँ से एफ फोर एंटर करते हैं, और उसके बाद इस डेटा को दोबारा से नीचे को ड्रैग कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से अब आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। अगर ये डेट है पहले की तो भी आंसर निकल जाएगा, अगर डेट है बाद की तो भी आंसर निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये वी लुकअप का एग्जैक्ट मैच वाला ऑप्शन समझ में आ गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अप्रॉक्सीमेट वी लुकअप के बारे में जानते हैं कि वो क्या होता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक ग्रेड डेटा यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे किसी स्टूडेंट के कुछ यूनिट टेस्ट हैं और यहाँ पे उनके क्लास टेस्ट हैं और यहाँ पे एग्जाम्स हैं, तो उनकी परसेंटेज भी दी गई है कि किस में कितनी परसेंटेज यहाँ पे आई है। और यहाँ पे एक डेटा बनाया गया है कि अगर परसेंटेज यहाँ तक होती है तो एफ ये तो डी ये और ये तो डी प्लस, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे अप्रॉक्सीमेट वी लुकअप, जहाँ पर हम लोग करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। अब वी लुकअप में हम लोग लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे हमारी परसेंटेज को, यानी कि ये, फिर हम करते हैं यहाँ पे कॉमा, कॉमा करने के बाद टेबल एरे, यानी कि हमारी जो टेबल एरे होगी वो हो जाएगी ये, क्योंकि मुझे ग्रेड फाइंड करना है इसमें से। कॉमा करते हैं, मुझे यहाँ पे ग्रेड निकालना है, परसेंटेज तो नहीं निकालनी, तो इसलिए मैं इसको ना सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे ग्रेड निकालनी है, यानी कि इसका नंबर मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे टू लिख देते हैं। कॉमा करने के बाद ट्रू और फॉल्स पूछता है, तो फॉल्स था एग्जैक्ट मैच के लिए, ट्रू है अप्रॉक्सीमेट के लिए, तो यहाँ पे हम ट्रू को सिलेक्ट करते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करने पर हम जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर निकल जाएगा कि 95 है तो ए प्लस। अब आप देखिए यहाँ कहीं पे 95 लिखा हुआ है, यहाँ तो कहीं पर भी 95 नहीं लिखा, लेकिन इसने फिर भी 95 के लिए ए प्लस निकाल दिया, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेट के अकॉर्डिंग डेटा को फाइंड कर रहा है। अप्रॉक्सीमेट यानी लगभग वैल्यूज जो उसके आसपास हैं, ये उसके अकॉर्डिंग डेटा फाइंड कर रहा है। इसने यहाँ पे परसेंटेज देखी और इन परसेंटेज के बेस पे ही ये आंसर निकाल रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे नीचे भी निकालना होता तो क्या करते, मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इसको, कॉमा करने के बाद हम टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं, इसे कॉमा करते हैं और कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे अप्लाई करना है जो कि 2 हो जाएगा। अब मैंने उस टाइम कॉमा करके ट्रू को सिलेक्ट किया था, अगर हम लोग वो ना भी करें और ब्रैकेट को विदाउट जीरो ऐसे नॉर्मली क्लोज करके एंटर प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। जहाँ पे इसने 84 के लिए बी निकाला, यहाँ पे 83 के लिए बी है और 87 के लिए बी प्लस है, यानी कि इस बीच में जो भी वैल्यूज होंगी ये उनके लिए यहाँ से ग्रेड क्या चेक करेगा, ए वाला ग्रेड, क्योंकि इसके बाद जो भी वैल्यूज होंगी इससे पहले उनके लिए ग्रेड होगा, इसके बाद जो भी वैल्यू होंगी लेकिन 90 से पहले उसके लिए बी प्लस होगा, 90 के बाद और 93 से पहले की जो वैल्यूज होंगी उसके लिए ए होगा, और 93 से जो प्लस होंगी उनके लिए ए प्लस होगा। तो यानी कि इस तरह से यहाँ पे आंसर देगा। अब मान लीजिए परसेंटेज हमारी इससे भी नीचे हो जाए, जैसे यहाँ पे है, मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और इसको नीचे को ड्रैग करता हूँ, क्या आंसर निकलेगा, नहीं निकला यहाँ पे आंसर। और यहाँ पे एक एरर भी शो कर रहा है ये, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा इस तरह से यहाँ पे ऐसा आया, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ड्रैग करता हूँ नीचे को तो ये कुछ इस तरह से आया, क्योंकि डेटा यहाँ पे मूव हो रहा है। तो यहाँ पे हमें डेटा को मूव नहीं करना है, कुछ इस तरह से हम लोग इस एरिया को सिलेक्ट करके लॉक कर देते हैं और F4 प्रेस करते हैं। इतना करने के बाद हम नीचे को इसको अगर ड्रैग करेंगे तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ लिखा है NA, NA इसलिए क्योंकि 53% यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं है, यानी कि 59 से नीचे को कोई परसेंटेज ही नहीं है, तो 59 से ऊपर वाले के लिए ही ये वैल्यू निकालेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, जैसे नॉर्मली मैंने इसको 60 ही अगर लिखा तो 60 के लिए वैल्यू फाइंड कर लेगा यहाँ पे F, क्योंकि 59 के बाद F है जो कि 63 से पहले आएगा। तो आई होप आपको ये वी लुकअप का ये वाला फंक्शन भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे आंसर अप्रोक्सीमेटली निकाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर हम जीरो लगा देते तो क्या होता, तो जीरो लगाने से क्या होता है वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जीरो किया और मैंने यहाँ पे किया एंटर, तो यहाँ पे आंसर नहीं निकलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट है, हम लोगों को एग्जैक्ट मैच यहाँ पे नहीं निकालना है, क्योंकि 95 वाली परसेंटेज तो कहीं पे मेंशन है ही नहीं इस डेटा के अंदर। इसलिए अगर 95 वाली परसेंटेज होती तो ये उसके लिए डेटा यहाँ पे निकालता, क्योंकि एग्जैक्ट उसी वैल्यू के लिए निकालना है ना वैसे यहाँ पे, तो इसके लिए एग्जैक्ट मैच लगाते हैं। और जब हमें लगभग या फिर कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली निकालना होता है तो हम लोग अप्रोक्सीमेट मैच के साथ वी लुकअप का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, आपको यह टॉपिक भी समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।